क्योंकि ना मतलब प्रोबेबिलिटी का जो सिंगेस्ट था सो वो हाँ भी लाइक बहुत टफ था, तो इसलिए मेरा लाइक एक एक्सरसाइज शायद बाकी था, तो एक दो या फिर अच्छा हाँ, तो फिर सर मैं अच्छा डायरेक्टली PYQ स्टार्ट करूँ अभी। हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, कोई हाँ ओके सर। सर हाँ फिर कोई दूर, उसके थ्रू रिवाइज करूँ क्या, क्योंकि हाँ चलेगा, मैंने कोई सब खतरा, कुछ एक एक बार किया हुआ है पहले से। हाँ हेलो अब तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर अब भी स्टार्ट कर लीजिए। हाँ तो लास्ट फॉर्म क्या किया था हम लोगों ने? हाँ हम जीनियस फॉर्म किया था ना, हाँ ठीक है। सर थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं को। मिनट बस, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों को, ट्राई करना पहले। क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करना है। ट्राई करना है क्या आप लोग को? हाँ सर हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ये फॉर्म कैसा पहचान रहे हो ना, ईच टर्म कंटेन सेम डिग्री ना, फॉर्म कैसा होमोजेनियस फॉर्म है ना। हाँ सॉरी होमोजीनियस फॉर्म पर। हाँ फिर ट्राई करो, यू ऑल हैव 2 मिनट ओनली, 3 मिनट। सर इसमें भी वही करना ना, वाई हाँ को खुद वी एक्स करना है, वाई लेके, इक्वल टू वी एक्स। हाँ यस,
आया क्या? थोड़ा देखो यार, DY1 DS कितना है? अरे y³ - 3x² y डिवाइड बाय x³ - 3xy² राइट ना। देखो यहाँ दिख रहा है सबका डिग्री क्या है, सेम है ना। इस टर्म का डिग्री कितना 3 है। फॉर्म कैसा हो गया, होमोजेनियस। ऐसे फॉर्म में क्या करेंगे, y क्या पुट कर लेंगे, vx। तो dy/dx कितना आ जाएगा, v+x dv/dx आएगा। लाके यहाँ पुट कर लो, करेक्ट। तो v+x dv/dx, v³ x³ - 3x²3x v² x² देखो x³ सबसे कैंसिल हो गया, कॉमन लिया तो x dv/dx कितना आएगा, सर v मेरा एक्स क्यू क्यूब कैंसिल नहीं हो रहा था, हो जाएगा ना, सब पर सेम तो हो गया ना। नहीं एक्स क्यू नीचे एक स्क्वायर आ रहा था मुझे, कहाँ इस पर, देखो ना हो रहा है ना, मेरा बी न्यूमरेटर क्यू तो सेम है तो। हाँ v³ - 3v अपॉन क्या बचेगा, 1 - 3v² और माइनस का v। तो x dv/dx कितना आ जाएगा, ध्यान दो कितना आएगा, सेम लिया तो v³ - 3v - v+3v³ हो जाएगा ना, डिवाइड बाय कितना होगा, 1 - 3v² देखो बाद में फॉर्म क्या बन जाएगा, 1 - 3v² अपॉन क्या बचेगा, अपॉन उल्टा लिखा है क्या, मैंने उल्टा हो गया यार ये पूरा।
प्रॉब्लम यहाँ पे होगा ना, ए ऑफ वन हो जाएगा ना यार, ऐसा होगा ना एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में आएगा ना वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। देखो ध्यान दो अभी फिर से क्या होगा, बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे कितना वाई क्या फुट किया बी एक्स, एक्स क्यूब कितना होगा माइनस थ्री एक्स क्यूब बी स्क्वायर अपॉन बी क्यूब एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स क्यूब भी, सब में कॉमन क्या होगा एक्स क्यूब, एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन माइनस थ्री बी स्क्वायर अपॉन बी क्यूब माइनस थ्री बी माइनस का भी, तो एक्स डी बी अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा वन माइनस थ्री बी स्क्वायर माइनस बी फोर प्लस थ्री बी स्क्वायर वी क्यूब माइनस थ्री बी कैंसिल हो गया, तो वी क्यूब माइनस थ्री बी अपॉन वन माइनस वी टू पावर फोर डी बी इक्वल टू क्या हो गया डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि इसके बाद हम क्या बना लेंगे, इसके बाद हम बना लेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ना, वही फॉर्म तो बन रहा है ना, इसके बाद क्या हमने क्या बना लिया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बना लिया, ठीक है। ध्यान दो तब यहाँ पे क्या करेंगे, कर लेंगे इंटीग्रेट, तो वी क्यू अपॉन वन माइनस वी टू पावर फोर डी बी और माइनस थ्री बी अपॉन वन माइनस वी टू पावर फोर डी बी, और ये कितना आएगा लॉन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर वन माइनस वी टू पावर फोर को क्या मान लिया यू कुछ टी मान लिया, तो माइनस का फोर वी क्यूब डी वी कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा, तो वी क्यूब डी वी क्या हो जाएगा माइनस डी टी बाई फोर आएगा, और यहां से क्या करेंगे, अगर यहां पे मैंने वी स्क्वायर कुछ मान लिया यू मान लिया, तो टू बी डी वी क्या आएगा डी यू आएगा, वी डी वी क्या आएगा डी यू अपॉन टू आएगा, ठीक है। वन बाई टू थ्री बाहर हो गया यहाँ से, और डी यू अपॉन वन माइनस यू स्क्वायर लॉन एक्स प्लस सी, ये क्या हो जाएगा वन बाई फोर लॉन टी, टी कितना है वन माइनस वी टू पावर फोर और वन बाई टू, इसका क्या फॉर्मूला है वन बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है वन बाई टू ए ना लॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, लॉन एक्स प्लस सी, ठीक है। ध्यान दो, और यहां भी कितना है वाई एक्स ना, भी कितना है वाई कितना फुट किया वी एक्स ना, तो भी कितना हो जाएगा वाई बाई एक्स वन माइनस वाई टू पावर फोर बाई एक्स टू पावर फोर वन बाई फोर लॉन, और एक मिनट और यहाँ पे u क्या हो जाएगा v स्क्वायर, और v कितना है y बाई एक्स वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर लॉन x प्लस c, आप चाहो तो लॉन हटा दो पूरा करके, देखो ऐसा कर सकते हैं ना कि लॉन ऐसा कर सकते हैं x टू पावर फोर माइनस वाई टू पावर फोर अपॉन x टू पावर फोर वन बाई फोर को ले लिया पावर में, या ऐसा कर सकते हैं दोनों में फोर कॉमन है ना,
तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो फोर था यहाँ पे यहाँ कर लिया, फोर लॉन एक्स कर लिया, और सी को लॉन सी ले लो, ध्यान दो कितना आएगा, ए लॉन एम बाई एन हो गया, लॉन एक्स टू पावर फोर माइनस वाई टू पावर फोर अपॉन एक्स टू पावर फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और कितना हो गया लॉन ए क्या हो जाएगा सी एक्स टू पावर फोर, लॉन कैंसिल, एक्स टू पावर फोर माइनस वाई टू पावर फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स टू पावर फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा सी एक्स टू पावर फोर, ठीक है ना। अच्छा माइनस कितना यहाँ पे, ये माइनस वन बाई फोर होगा ना, मतलब ये माइनस था तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ पे इनवर्स आएगा, तो इसका इनवर्स आएगा, एक मिनट, इनवर्स से उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा एक्स टू पावर फोर अपॉन एक्स टू पावर फोर माइनस वाई टू पावर फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस सॉरी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या आएगा सी एक्स टू पावर फोर, ये कैंसिल हो गया, और देखो तो इसको ब्रेक कर लो, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको ब्रेक किया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक गलती हुआ यार, यहाँ पे सी भी छूट गया है, क्या हो रहा है, यहाँ सी छूट गया ना, सी छूटा है, तो ये पावर में आके क्या कर देगा क्यूब कर देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यूब आएगा, यहाँ पे क्या आएगा क्यूब आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा क्यूब आएगा, यहाँ पे क्यूब रहेगा, यहाँ पर क्यूब रहेगा सी, अभी यहाँ से क्या होगा एक पावर कटा बचा दो पावर, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया सी टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू पावर क्या बचेगा फोर, ये आंसर है। लास्ट में सिर्फ कैलकुलेशन था इंटीग्रेशन के बाद, माइनस को ले लिया ऊपर ले लिया पावर में, फिर लॉन एम बाई एन लगा दिया, सी बचा तो ले लिया पावर में, बस कट किया आ गया अपने आप। नोट कर रहे हो क्या आप लोग, हो गया सर। हाँ बेटा बोलो, इनवर्स लिखा ना एलएल, इनवर्स इनवर्स हाँ माइनस था ना तो पावर में यार उल्टा हो गया, ठीक है हाँ।
नोट हो गया है? सर एक मिनट, मैं वो लास्ट का दूसरा स्टेप कर रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा सर हो गया। हाँ एक और क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। आ रहा है क्या? सर अगर ऐसा है तो माइनस में माइनस वी क्यूब डिवाइड बाई टू बी प्लस वी टू दी पावर फोर, तो वी टू दी पावर फोर को पहले बाहर निकाल के वो वैसे करना ना हाईएस्ट पावर को। अरे इंटीग्रेशन में तो इंटीग्रेशन में फॉर्म क्या बन रहा है? माइनस वन माइनस वी क्यूब डिवाइड बाय 2v प्लस v टू दी पावर 4, तो v टू दी पावर 4 को बाहर निकाल के वो डिवाइड करके करना ना हाईएस्ट पावर को। उससे हो रहा है क्या? मैं पूछ रहा हूँ। एक मिनट देखो, y क्या पुट कर लिया यहाँ पे, dx पुट कर दिया है ना,
हाँ ठीक है। हाँ देखो ध्यान दो अभी, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये फॉर्म कैसा हो गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया, ठीक है ना। वी कॉमन लिया तो कितना हो गया, हाँ सर, क्या करना था इसमें? हाँ अभी तक कुछ किया नहीं बेटा, जस्ट अभी देख रहे हैं। ठीक है, जस्ट भी कॉमन लिया मैंने सिर्फ। देखो ध्यान दो, इसको ऐसे कर सकते हो, पहले तो आप पहले इसको ब्रेक कर लो यहाँ से, ऐसा वी क्यू प्लस टू कर लिया, माइनस का वन कर लिया, और वी वी क्यू प्लस टू, ठीक है, ये क्या हो गया, लॉन एक्स माइनस का प्लस, देखेंगे लॉन सी करना है क्या करना है अपने को। देखो यहाँ सेपरेट किया, दिस अपन दिस किया तो क्या कैंसिल हो गया ना, तो वन अपॉन वी डी बी हो जाएगा, और माइनस वन अपॉन वी वी टू पावर क्यू प्लस टू डी बी। देखो ये पता है वाला फॉर्म कौन सा है, ये वाला फॉर्म पता है कौन सा है आपको, लॉन भी हो गया, ये वाला फॉर्म कौन सा है, यहाँ से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेंगे ना, वी टू पावर फोर प्लस वन प्लस क्या हो जाएगा, टू अपॉन वी क्यू माइनस लॉन एक्स प्लस सी। अभी वन प्लस टू अपॉन वी क्यू कुछ मान लो, टी मान लो, कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स बाई वी टू पावर फोर डी बी क्या हो जाएगा, डी टी लॉन वी कितना आएगा, प्लस देखो डी वी अपॉन वी टू पावर फोर कितना हो जाएगा, माइनस का डी टी बाई सिक्स, तो प्लस हो जाएगा डी टी बाई सिक्स और टी लॉन एक्स प्लस सी, तो क्या बचेगा, लॉन वी प्लस वन अपॉन सिक्स लॉन टी लॉन एक्स प्लस सी। वी कितना है, वाई बाई एक्स, टी कितना है, टी क्या है, वन प्लस टू बाई वी क्यू, वी कितना है, वाई बाई एक्स ना, इसका क्यू, तो फाइनली क्या बच जाएगा, लॉन वाई माइनस लॉन एक्स माइनस यहाँ भी था ना, वन बाई सिक्स क्या हो जाएगा, लॉन वाई क्यू प्लस टू एक्स क्यू बाई वाई क्यू माइनस लॉन एक्स प्लस सी, ये कैंसिल हो गया लॉन एक्स, बस जो भी है छोड़ दो ऐसे ही।
हो गया हो गया हो गया सर, क्या बेटा हो गया? अच्छा एक क्वेश्चन है, एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स और पूरे का वाई है, वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसा है, ठीक है ना? ठीक है, तो ये सॉल्व करो। देखो यहाँ पे वाई अपॉन एक्स है, इसका डिग्री क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। इसका डिग्री क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो x इंटू वाई कितना डिग्री? टू हो गया। और y इंटू वाई कितना डिग्री हो गया? टू हो गया ना। टू डिग्री यहाँ भी टू डिग्री। फॉर्म कैसा? होमोजेनियस है। y क्या है? bx। पुट कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। ट्राई करो और बताओ कितना आ रहा है। ट्राई कर रहे हो आप लोग? सर आप एक बार स्क्रीन दिखा, बस एक बार क्वेश्चन चेक कर।
हेलो सर, हेलो हेलो, हाँ बोलो बोलो सर मेरा आ गया, कौन से फॉर्म में आंसर दो। हाँ सर। आंसर एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी है क्या? करेक्ट है हाँ सर। सर हो गया मेरा क्वेश्चन। सबका आ गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर हाँ सर आज के क्वेश्चन थे। हाँ हाँ क्वेश्चन ही करेंगे सर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई इक्वल जीरो, और गिवेन है यहाँ पे वाई इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू वन। मतलब समझा सर, सी निकालने का है, सी निकालने के लिए सॉल्व करने के बाद जब सी निकालना होता है ना उसके लिए यूज करना होता है। ठीक है सर एक मिनट। हेलो सर, मेरा हाँ बोलो बेटा।
निकालना है ना क्या बेटा? सब पूरा इक्वेशन निकालना पड़ेगा। हाँ मतलब बाद में सी पी निकालना है निकालना ना। पड़ेगा हमें। हाँ तो सी का आंसर है मेरा LN2। सी नहीं पूरा चाहिए, सब पूरा इक्वेशन चाहिए। अच्छा पूरा इक्वेशन है LNX प्लस नहीं LN(1) प्लस आंसर वन LM नहीं है, XY में सिर्फ है। क्या? अच्छा तो फिर वो मतलब हाँ LN निकाल लेता हूँ ना। देखो टोटल क्लास में 45 बच्चे हैं, 45 ऑफ 45 का कितने 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 गर्ल हैं? 3/5 गर्ल है ना, कितना हो गया? 5 9 या 45 में कटेगा ना, कितना आया? 27। एक एक क्या हो गए गर्ल, कितने ट्वेंटी कितने में से कितने कितने में से टोटल कितने बच्चे क्लास में? उसमें कितने गर्ल हो गए, सेवन कितने बॉयज होंगे? क्या करना पड़ेगा? टोटल कितना है? 45। पर आंसर कितने क्या गर्ल है? कितना है? हाँ आंसर मेरा आ क्या लिखना? आंसर क्या है? कितना है बताओ? ओ एक सेकंड मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ क्या होता है। सोचो ना बेटा, टोटल 45 है, इसमें 27 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे? क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तो क्या करना होगा? 45 - 27 कितना बचेंगे? 18। x² प्लस y² माइनस 2x इक्वल 0। हाँ आंसर है x² + y² - cy टू इक्वल एक्स हाँ हाँ 0। हाँ c y, अरे यहाँ 2y, यहाँ ठीक है ठीक हाँ वही है। है। हर्षित साहब कितना आपका हर्षित आया? हर्षित मेरा तो मुझे ये वाला थोड़ा मतलब अटक गया उससे, मुझे ये वाला सॉल्व करना था। 1 मिनट, मेरा फोन स्विच ऑफ कभी हो सकता है, ठीक है ना? जैसे होगा तभी ज्वाइन मत करना, चार्ज नहीं क्योंकि मैं थोड़ा बाहर से आया। हाँ देखो क्या हुआ क्वेश्चन में, dy/dx कितना आ जाएगा? y² - x² / 2xy। y पुट किया vx, तो v + x dv/dx। y कितना है? vx, तो क्या आएगा? v² - 1। y क्या है? vx, तो 2v x dv/dx कितना हो जाएगा? v² - 1/2v - v, ठीक है। तो फाइनली कितना आएगा? x dv/dx कितना आएगा यहाँ से? माइनस का 2v² है, माइनस का v² - 1/2v। तो यहाँ से कितना आएगा? 2v/v² + 1 dv = -dx/x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसको t वाला dt हो जाएगा ना, तो हो जाएगा ln v² + 1, और ये कितना हो जाएगा? ln x - का + ln c हो गया, तो क्या आएगा? x² + y² / x² कितना आएगा? cx, ठीक है। cy सॉरी, x ना, एक्स कैंसिल हो, कितना आएगा? x² + y² क्या आ जाएगा? cx आएगा। और ये कहाँ से पास कर रहा है? 1, 1 से पास कर रहा है, तो c कितना आएगा? 2। तो x² + y² क्या आ जाएगा? 2x, ठीक है।
हेलो सर, हेलो हेलो हेलो, हाँ नोट कर लिया अर्षित उत्तम, सर, नोट कर लिया। हाँ सर, चलो फिर कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग लीनियर फॉर्म, ठीक है? इसमें एक दो क्लास और जाएगा इस चैप्टर में बस, ठीक तो है? फिर इस चैप्टर के बाद फिर हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? क्या सर? कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। वो सर बट वो किसी दूसरे ठहरा सर ना। करा रहे हैं। अच्छा, वो चल रहा है वहां पे। हाँ कल ही चालू किया। डिटरमिनेंट हो गया नहीं आप लोग का मैट्रिसेस? नहीं सर, नहीं सर। हाँ, तो वो सर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद डिटरमिनेंट, फिर ठीक है? सब वो बेसिक सेट्स वगैरह सब, वो सब करा दूंगा, सब करा दूंगा, ठीक है ना? फिर सर एक लास्ट में लोगेरिथम्स भी लेना। ले लूंगा, भी ले लूंगा, ठीक है ना? हाँ पहले सर, एक बार हम करेंगे, तो 28 डिटरमाइन कर लेंगे, दो एक दो हफ्ते में, फिर आगे चलेंगे, ठीक है? हाँ एक सर। दो फिर सर कर पूरा कब खत्म होगा? बस, लास्ट ही चल रहा है आपका डिटरमाइन, मिठाई हो गया तो फिर तो बाकी जो बचा कुछ है हो जाएगा जल्दी जल्दी। हेलो हेलो सर।